मीडिया में एक एंकर ही है जो देश की बात जनता के सामने रखता है अपनी डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपनी डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, पुलिस हो तो ऐसी ही, योर ऑनर अपने मास्टर के इशारे पर फंसाने वाली। दूसरा, प्राइवेट कंपनीज की कार्यदर्शिता का बहाना सरकारी संपत्ति पर निशाना। तीसरा, इंसाफ के तराजू पर ताकतवर के आगे कमजोर की बेबसी। चौथा, 70 साल में जो कमाया वह 7 साल में बेचने की तैयारी। और पांचवा, क्या मौद्रीकरण के रास्ते होगा निजीकरण। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम के जरिए पुलिस द्वारा दर्ज किए झूठे मामले और पुलिस की बर्बरता पर बात की। उन्होंने इस पर कई अहम जानकारियां भी दी कि पुलिस और ये जांच एजेंसियां किसी बेकसूर को फंसाने और फंसे हुए कसूरवार को बचाने के खेल में कितनी आगे हैं। इन सब के पीछे राजनीतिक प्रभाव के अलावा करोड़ों रुपए के कारोबार का भी प्रभाव है और इन दिनों एक नया प्रभाव जुड़ गया है, धार्मिक प्रभाव। धर्म के नाम पर थाने को घेर लेना नया चलन हो गया है जिसका असर FIR में लगने वाली धाराओं में भी साफ साफ देखा जा सकता है। आतंक के मामलों में तो यह खेल ही हो गया है। कई ऐसे मामले पेश किए जा सकते हैं जिसमें पुलिस ने असली आतंकवादी को कभी नहीं पकड़ा लेकिन तरह तरह की थ्योरी की सप्लाई कर मीडिया के जरिए किसी बेकसूर को आतंकवादी बना दिया। जोसी जोसेफ की किताब इन्हीं सब प्रसंगों के हवाले से बता रही है कि कैसे सुपर कॉप और जेंटलमैन कॉप कहे जाने वाले अफसर आराम से अपनी जिंदगी में ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा करने में कोई अपराध बोध नहीं होता जबकि बेकसूर होकर भी लोग अपराधी की तरह पूरी जिंदगी अपराध बोध में जीते हैं। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, किसानों पर लाठीचार्ज से निकलेगा समाधान। दूसरा, कांग्रेस में हो क्या रहा है। तीसरा, कोरोना फिर बजा रहा है खतरे की घंटी, कितने तैयार हैं हम। चौथा, पंजाब ने बढ़ाए दाम, उत्तर प्रदेश कब देगा पैगाम। और पांचवा, देश की संपत्ति बेची जा रही है। संदीप चौधरी ने अपने डिबेट में किसानों का मुद्दा उठाया और उन्होंने किसानों पर हुई लाठीचार्ज पर बात की और सरकार में बैठे नेताओं से सवाल भी किए। सितंबर से 2020 से अब तक 136 FIR दर्ज हो चुकी हैं किसानों पर। मुझे बात खत्म करने दीजिए, एक मिनट संदीप जी बोलिए, खत्म करने दीजिए। जब आपने शो पे बुलाया तो मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। बोलिए, आयुष सिन्हा की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, आयुष सिन्हा पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आयुष सिन्हा स्वतः ये ले रहे थे, कार्रवाई स्वतः होती है या पुलिस के ऊपर ऊपर से आदेश आता है कि किसी भी हालत में कुछ भी करो विरोध को तोड़ दो। मैंने, आयुष सिन्हा ने यदि वो स्टेटमेंट दिया है उसका खंडन किया है, पर संदीप चौधरी ने आज तक इस बात का खंडन नहीं किया कि 10 मई 2021 को एक बंगाल की 26 वर्षीय युवती का किसान आंदोलन जीवियों ने फेक न्यूज पैदल कर रही है। फेक न्यूज पैदल कर रही है। चूर का इंटरव्यू आजकल वायरल हो रखा है, उसको थोड़ा सा सुनिएगा। फेक न्यूज मेरे यहाँ पर मत चलाइए। अब बात गोदी मीडिया के एंकर की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार नाविका कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, जब नाविका से बोले मनोज मुंतशिर, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। दूसरा, तालिबान ने धमकी दी, अब ब्लास्ट शुरू हो गया। तीसरा, राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रद्रोह की लड़ाई, राहुल गांधी कहाँ हैं। चौथा, तालिबान केस में पता चला CAA क्यों और कितना जरूरी। और पांचवा, क्या नवजोत सिंह सिद्धू वोट के लिए देश विरोधी ताकतों का सहारा लेंगे। नाविका ने अपने डिबेट में तालिबान से जुड़े मुद्दे उठाए और विपक्ष पर सवाल उठाए। किसान आंदोलन, महंगाई के मुद्दे पर एक भी चर्चा नहीं की। नाविका ने अपनी एक डिबेट में राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए। पिछले हफ्ते भर पंजाब में एक नए किस्म की सियासी ड्रामा चल रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकार मिलकर कुछ भी आनन फानन में बोले चले जा रहे हैं। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई में देश तोड़ने वाली बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अपने होंठ जैसे सी रखे हैं। हरीश रावत इंचार्ज हैं पंजाब के, बोल रहे हैं लेकिन उनकी सुन कौन रहा है शायद कांग्रेस में किसी को ये भी नहीं पता।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू के चिट्ठी पर 11 अगस्त को ये सलाहकार बने थे। अब ये लिख क्या रहे हैं, मलविंदर सिंह मल्ली ने कहा है कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। राहुल गांधी चुप, कोई आवाज नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शायद कि कश्मीर है नहीं है, उनके पार्टी वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अब बात करते हैं आज तक के पत्रकार अंजन ओम कश्यप की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, काबुल पर आतंकी हमला अब क्या करेगा अमेरिका। दूसरा, अफगानिस्तान में 5 दिन बाद क्या होगा। तीसरा, एक्शन में तालिबान, तय हुए मंत्रियों के नाम। चौथा, समाजवाद अब जनता पर आया। और पांचवा, जात के नाम वोट के काम पर। अंजना कश्यप ने भी देश में चल रहे जरूरी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की। अंजना की डिबेट में अफगानिस्तान का मुद्दा ही प्रमुख दिखा। देखते हैं उनकी एक डिबेट। आज सबसे पहले एक कहानी सुनिए। दो दैत्य हैं, दोनों का चेहरा एक जैसा है, दोनों एक ही जगह रहते हैं और लोग कहते हैं कि दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई भी हैं। एक दैत्य के खिलाफ 20 साल लड़ाई चलती है और उसके बाद उससे शांति समझौता कर लिया जाता है, तभी दूसरा दैत्य घेर लेता है, बेदम कर देता है। आप समझ चुके होंगे कि कहानी कहां फिट बैठती है। अमेरिका ने काबुल धमाके में तालिबान को क्लीन चिट दे दिया है और आईएसआईएस खुरसान से बदला लेने की कस्में खा ली है, लेकिन सवाल कैसे। आतंकियों को भी गुड एंड बैड के खांचे में बांटने का खेल आखिर है क्या, हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको बताएंगे पूरा लेखा जोखा कि आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में कितने दिन क्या कुछ किया, आज ये नौबत कैसे आई है, बीते दिन धमाकों में गई जान की जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है, 31 अगस्त तक जो कुछ होगा उसकी जवाबदेही किसकी होगी। एक बहुत बड़ा पैनल देश विदेश से हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। आपको कौन सा मीडिया एंकर आपके मतलब की जानकारी देता नजर आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.